ट्रूथजनेस लोग आई होवरी वन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ यूर हेल्थ बिकॉज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कॉरेक्ट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑफकोर्स अगले सात दिन किस तरह से होंगे सो ऑफकोर्स इट विलस कलेक्टिव फॉर ऑल एक्साइन एंड इट इज अलिशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी इस दौरान हम ये देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में ऑफकोर्स क्या क्या घटनाएं हो सकती है आपके करंट सिचुएशन भी क्या है एंड आगे जाके भी क्या होने वाला है स्पेशली विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज ओके सो यूनिवर्स गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज़ ओके करेंट सिचुएशंस करंट सिचुएशन में यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ ऐसा नहीं कि आप अपना काम को पूरी तरह से शिद्दत से मेहनत से तो कर रहे हैं लेकिन जो उचित जो आपको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि यू आर ऑलवेज अंडर जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अच्छा खाना देते हैं फिर भी लोग उसको उतना रेटिंग नहीं देते हैं कुछ मूवीज़ भी आते हैं अच्छा होता है स्टोरी क्लाइमैक्स लेकिन उतना अच्छा रेटिंग नहीं मिलता है सो so, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो दैट यू आर पुटिंग योर हंड्रेड परसेंट आपको इवन आप अपने सर दर्द लेके भी काम कर लेते हो अच्छे नहीं रहते हो जिस दिन उस दिन भी आप अच्छा से ही काम को मैनेज कर लेते हो बट फिर भी जैसे लोग जैसे बहुत ज़्यादा बेईमान हो चुके हैं उनको आपकी कोई कदर ही नहीं है आपके फैमिली में स्पेसिफिकली आपको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ठीक है कर रहे हो बट जैसे कोई अप्रिसशन तो मिल नहीं रहा है इवन आपके बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है इवन इफ़ यू आर द बॉस इवन इफ़ यू आर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉइज़ को लगता है कि आपने शॉर्टकट तरीके से आपको प्रमोशंस मिले हैं या आप इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते जितना पहले का मैनेजर कर पाते थे मतलब वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं आने वाले समय में क्या हो रहा है देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज इवन आपको कुछ लोग जो है आ, ऐसा आपको लग रहा है कि उस जगह से अगर आप निकल पाते अगर उस उस जगह को छोड़ पाते शायद आपके भाग्य ही खुल जाते या अगर आप चले गए होते अगर आपको जब मौका मिला था आने वाले समय में यहाँ पे देखो एक रैट है यहाँ पे तो इट रिप्रेजेंट्स यू you नो know वर्ल्ड चूहा हमेशा ही एक अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस डीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं चूहा मतलब ही बहुत फास्ट फास्ट सो बहुत ज़्यादा चीज़ है जो इतना टाइम से स्लो हो रहा था फास्ट होगा यहाँ पे जब भी मैंने कहा यहाँ पे एक चाबी भी आया है सो so, कुछ गुत्थी जो है कुछ पजल्स जो है वो रिडल्स जो है पहली पहले जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं हाँ वो सॉल्व नहीं हो रहा था ठीक है और आप ना इधर उधर मंडराते रहते थे बट यू आर गोइंग टू सी आर गोइंग टू विटनेस लॉट ऑफ चेंजेस विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज आई कैन सी दैट देयर इज अ फॉर्म ऑफ स्वास्तिक साइन ओवर हीयर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और स्वास्थिक जो सिम्बॉल होते हैं चाहे वो अलग अलग धर्म में अलग अलग सिम्बॉल्स ही है बट स्वास्तिक जो है कुछ इस तरह से होते हैं सो बेसिकली क्या है ना यू आर गोइंग टू गेट सर्टन इंडिकेशन्स दैट आपका काम बन जाएगा एटलीस्ट ये भी रिप्रजेंट करते हैं कि आपका काम जो है वो बन जाएगा वो बिग बिग मतलब कोई उसको बिगाड़ नहीं सकते इवन आपके मनोकामना भी कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से हो जाएगा सो right. so, आप भी हो सकता कि है कि किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के घर में जाए उनसे सलाह मशवरा ले इवन वो भी आपको अच्छा से एडवाइस भी देगा उस तरह से भी है आई कैन सी समवेयर दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना आपके रैशेस निकल के आए हैं या आपके फेस पे कुछ आ, मार्क्स कुछ इस तरह से बने हैं ड्यू टू सर्टेन यू नो एलर्जीज समथिंग पता नहीं क्यों यहाँ पे वो भी दिख रहा है सो मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा बॉडर कर रहा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन तो वो छोटा छोटा पेटी चीज़ है वो सॉल्व हो जाएगा मेडिकेशंस के वजह से वो सही हो जाएगा और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिलेगा यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटी में आपको विजिट करने पड़े अपने फैमिली के साथ या फैमिली के बगैर लेकिन करना पड़ेगा कुछ क्राउडेड सिटी मतलब बहुत पॉपुलेटेड सिटी या स्टेट में आपको विजिट करना पड़ेगा मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आप मना भी नहीं करेंगे क्योंकि उस जगह पे जाने से ही आपका काम बन जाएगा ओके okay. और देखते हैं आई कैन सी लॉट ऑफ लाइट बल्ब लाइट बल्ब हमेशा यही इंडिकेशन देते हैं कि दिमाग का बत्ती जो है वो जला दे कभी कभी जो है ना दिमाग काम नहीं करता है बट आने वाले सात दिनों में आपका दिमाग जो है बहुत दौड़ेगा यहाँ पे फिशेस है सो फिशेस अगेन रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी एंड अबेंडेंस ओके इन योर रिलेशनशिप तो इस बार जो आप डील करके आएंगे कोई फिक्स हो जाएगा एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी को आप पसंद करना शुरू भी कर चुके होंगे एंड दे विल ट्राई ओके टू गेट कनेक्टेड विथ यू बिकॉज दे विल फील दैट यू आर देर कम यू कैन से कम्प्लीट ओके यू विल मेक देम फील कम्प्लीट उस तरह से है सो so, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा तो सा मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ सो यूनिवर्स गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कोर्स एंड कोर्स उनको क्या समझने की ज़रूरत है और क्या आने वाला है प्लीज गाइड करें यूनिवर्स पर गाइड्स देखो पीसफुल रिजोल्यूशन अगर आपके साथ किसी की बहस हो चुका था या बॉस के साथ या जूनियर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में किसी के साथ वो आपको गलत समझ रहे हैं अभी तक तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है राहत आपको मिलेगा ओके सो दैट इज अ पीसफुल रेजोल्यूशन ओके हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कॉम्प्रोमाइज कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए सब कुछ बैलेंस्ड होना पड़ता है मतलब क्या है आपको कुछ सहन करना पड़ेगा तब जाके आपके पास कोई चीज आ रहा है मतलब यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज लाइक आप शायद उस कॉन्ट्रैक्ट या डील को हासिल ही कर लेंगे लेकिन शायद आपको क्या करना पड़ेगा शायद आपको ज्यादा समय वहाँ पे देना पड़ेगा बहुत सारे लोग मौज मस्ती करेंगे लेकिन शायद आपको अटेंशन ज्यादा देना पड़ेगा इन द नियर फ्यूचर यू बोथ ऑफ यू विल बी टुगेदर आपके सोलमेंट आपके साथी होंगे सक्सेस विल फॉलो यू आई टोल्ड यू जो आपको लग रहा था कि मेरे विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज यू विल फील चाहे थोड़ा भी एप्रिसिएशन आपको मिले चाहे वो ग्रैंड सक्सेस आपको मिले चाहे कहीं से कुछ मैसेज आ जाए जो सक्सेसफुल हो ऐसा सक्सेस इट विल डेफिनेटली ब्रिंग यू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम ओके वो आपको एक ताकत भी देगा कि आप अपना डिसीशन खुद लेंगे हो सकता है कि आपके फैमिली वाले विश्वास नहीं कर रहे आपके ऊपर शायद प्रीवियसली कुछ लॉस हो गया था या कुछ ऐसा हो गया था जो उनको और विश्वास नहीं है आपके ऊपर बट आप उनको फिर से प्रूफ कर देंगे ट्रस्ट देखा ट्रस्ट ट्रस्ट का इश्यूज था जो सॉल्व हो जाएगा विद इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम ओके रिकन्सिडर कुछ डिसीशंस पेंडिंग थे आप फिर से उसको देखेंगे ए टू जेड उसको ठीक है स्क्रूटनी करेंगे या कोई रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचें और वो आपके साथ बात करने के लिए एग्री भी हो जाए वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा फॉर्म में आ रहा है विथ हम्बल एटीट्यूड कोई आपके साथ बात कर सकते हैं इवन आप भी किसी के साथ इस तरह से बात कर सकते हैं कि आप फिर से देखिए हो सकता है कि अप्रोच करने से ही बोला जाता है ना कि बात जो है अप्रोच करने से ही बनते हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको आप लोगों को हेल्प करते आए हैं तो आपको हेल्प नहीं मिलेगा आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा दैट इज़ फॉर श्योर देर इज नो सच यू कैन से एनीथिंग अबाउट अदर देन दैट ओके यहाँ पे क्या है कम्युनिकेट क्लियरली मतलब क्या मैंने आपको कहा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुझे फिशेज दिख रहे हैं यहाँ पे देखो इट्स लाइक दैट ओनली विच हैज कम लाइक पाइशियस यहाँ पे इमेजिनेशन के वजह से आपका जो है ब्रिलियंस यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा और आप लोगों तक वो मैसेज भी पहुँचा पाएंगे जो आज तक आप नहीं पहुँचा पाए हैं स्पेशली इफ यू आर इन द सोशल मीडिया एंड डेफिनेटली मे बी योर पार्टनर विल कम्युनिकेट विथ यू विल ट्राई टू स्पीक टू यू इवन मेनी पीपल बहुत सारे लोग आपके साथ बात करने के लिए भी रेडी होंगे सो दिस इज ऑल अबाउट टू डे इज रीडिंग आइज आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव यॉड टेक केयर ऑफ यूर सर्फ एंड